नमस्कार, आओ सीखो के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत। मैं हूं कैलाश शर्मा और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं लोगों के हालचाल कैसे पूछना और उन्हें अपने हालचाल कैसे बताना। ये हम सीख चुके हैं कि जैसे ही हम किसी से मिलते हैं अपनी बातचीत की शुरुआत ग्रीटिंग से करते हैं, अभिवादन से करते हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो वगैरह बोलकर। उसके ठीक बाद हम उनसे हालचाल पूछते हैं, हाउ आर यू। और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि और कौन सी वैरायटी है जिसमें हाउ आर यू पूछा जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हाउ आर यू का जवाब आई एम गुड, थैंक यू। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में क्या और भी कुछ बोला जा सकता है, और उत्तर है जी हाँ। हाउ आर यू के अलावा आप बोल सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग का शॉर्ट फॉर्म है हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग, हाउ और इज को मिला के आपने बनाया हाउस। हाउ इज इट गोइंग। और उसके अलावा आप पूछ सकते हैं हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ या हाउ इज लाइफ। और तीसरे क्रम पर आप पूछ सकते हैं हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग या हाउ आर थिंग्स। और आप देखेंगे कि इन जुमलों से, इन एक्सप्रेशन की मदद से आप लोगों से उनके हालचाल पूछ सकते हैं। हाउ इज इट गोइंग का मतलब होता है क्या चल रहा है। और आप देखेंगे कि इन एक्सप्रेशन की मदद से हम लोगों के हालचाल थोड़ा और भी अलग तरीके से, यानी वैरायटी में पूछ सकते हैं। हाउ इज इट गोइंग का मतलब है क्या चल रहा है। हाउ इज लाइफ का मतलब कुछ ऐसा होगा और कैसी कट रही है जिंदगी। हाउ इज एवरीथिंग का भावार्थ होगा कैसा है सब कुछ। यानी कुल जमा आपने लोगों से यही पूछा कि वो कैसे हैं, पर हाँ पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया। प्रश्नों की वैरायटी के बाद अब हमारे मन में एक बात उठना स्वाभाविक है कि क्या उत्तर देने में भी कुछ वैरायटी हो सकती है। क्या हमेशा हम लोगों को आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक यू इतना ही बोलेंगे या कुछ और भी बोला जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं एंसर्स में कैसी वैरायटी हो सकती है। I'm fine और I'm good के अलावा आप कुछ उत्तर और भी दे सकते हैं, जैसे I am pretty well, thank you. I am pretty well, thank you. I am very well, thank you. I am very well, thank you. I am on top of the world, thank you. I am on top of the world, thank you. ये जो एक्सप्रेशन है आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसे आप तभी बोलें जब आप वाकई बहुत 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 खुश हों। आपकी लॉटरी लग गई हो या आपने एग्जाम में टॉप किया हो। एक्चुअली आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब भी होता है आज तो मैं जबरदस्त खुश हूं, या आज मेरी खुशियों की कोई सीमा ही नहीं है। यानी बहुत ही चुनिंदा अवसर पर आपको ये बोलना है आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थैंक यू। तो आपने दो बातें नोटिस की होगी। एक तो ये कि चाहे आप अपने हालचाल आई एम गुड, आई एम फाइन बोलकर बताएं, चाहे आई एम वेरी वेल, प्रिटी वेल बोलकर बताएं, हर हालत में आपको थैंक यू बोलना होता है। और उसके बाद आपको सामने वाले के हालचाल भी पूछने की आवश्यकता होती है। ये फॉर्मेलिटी का, यानी हमारी तहजीब का एक तकाजा है। परंतु हम ये देखें कि क्या हम लोगों के हालचाल जब वापस पूछते हैं तो उस एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ वैरायटी ला सकते हैं, कुछ उसमें परिवर्तन करके फ्रेशनेस ला सकते हैं। तो देखें क्या एक्सप्रेशंस और हो सकते हैं जिनसे हम लोगों के हालचाल वापस पूछ सकते हैं। वापस से लोगों से हाउ आर यू पूछने के बजाय आप पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट यू। यानी आप कहें आई एम गुड, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू का मतलब है और जरा आपके बारे में भी बताइए कि आप कैसे हैं। तो डायलॉग कुछ ऐसा होगा। मिसेस चौहान कहती हैं, हेलो मिसेस गुप्ता, हाउ आर यू। मिसेस गुप्ता कहती हैं, हाय मिसेस चौहान, आई एम गुड, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। मिसेस चौहान कहती हैं, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, थैंक यू। चलिए चलते चलते सीखते हैं एक मजेदार बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पोकन इंग्लिश के बारे में। वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश में
शॉर्ट फॉर्म्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि जो लंबे लंबे एक्सप्रेशन है उनके शॉर्टेंड वर्जन्स को ज्यादा पसंद किया जाता है, बजाय आई एम के लोग कहते हैं आई एम। इसी तरह से हाउ इज का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है हाउस, हाउस लाइफ, कैसी कट रही है जिंदगी, हाउस। इसी तरह से आपने देखा होगा कि थैंक यू सिमट कर थैंक्स बन गया और आई एम सॉरी केवल सॉरी बनकर रह गया। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू, जो हम लोगों के हालचाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके स्थान पर कुछ और आ सकता है? आंसर है जी हाँ, आ सकता है। उसके स्थान पर आप लोगों से सीधे पूछ सकते हैं एंड यू, एंड यू। एंड यू बोलने से भी वही बात बनती है जो व्हाट अबाउट यू या हाउ आर यू से बन रही है, पर इसके पहले लोगों द्वारा प्रश्न किया जाना जरूरी है। आप सीधे किसी से जाकर नहीं कह सकते एंड यू। अगर उसने आपसे हालचाल पूछे हैं हाउ आर यू, आपने कहा फाइन थैंक यू एंड यू, यहां पर एंड यू फपता है, जचता है, अच्छा लगता है, सूट करता है। तो देखें एक डायलॉग में किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। फिर से मिसेस चौहान और मिसेस गुप्ता बातचीत कर रही हैं और मिसेस चौहान ने कहा गुड मॉर्निंग मिसेस गुप्ता, हाउ आर यू टुडे। मिसेस गुप्ता कहती हैं आई एम प्रिटी वेल थैंक यू एंड यू। मिसेस चौहान कहती हैं आई एम वेरी वेल टू थैंक यू। तो यहां समाप्त होता है हमारा हाउ आर यू पूछना और उसका आंसर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।